हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खस्ता बहुत ही स्वादिष्ट शक्करपारे बनाएंगे जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। और इसकी खास बात ये भी है कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिसे जब चाहे छोटी मोटी भूख लगने पर निकाला और खाया। तो चलिए ये शक्कर से लिपटे मीठे मीठे शक्करपारे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल के अंदर 500 ग्राम मैदा ले लिया है। आप चाहें तो ये शक्करपारे आटे से भी बना सकते हैं या सूजे से भी बना सकते हैं, बस टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और गेहूं के आटे से बनाने से उसकी जो लाइफ होगी वो थोड़ी कम होगी। तो अब हम मोइन डालेंगे। तो मोइन में आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी को मेल्ट करके लिया है। तो लगभग 100 से 150 ग्राम घी है ये। तो हम पहले थोड़ा घी डालकर देख लेते हैं, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़रूरत लगी तो हम ये घी बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब मैदे और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हथेलियों से रब करते हुए काफ़ी अच्छे से इसे मिक्स करें, क्योंकि जितना हम मोइन को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स करेंगे तो जो पारे बनेंगे वो काफ़ी अच्छे बनेंगे। घी डालने की वजह से जो शक्कर पारे होते हैं वो काफ़ी खस्ता बनते हैं, काफ़ी अच्छी लेयर से उसके अंदर बनती है, जिससे चाशनी अंदर भी अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। यदि हम मोइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो आप चाहें तो तेल या घी दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी को हमने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। इस तरह मुट्ठी में इकट्ठा कर लेने से जो आटा है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, यानी मोइन एकदम परफेक्ट है। और यदि आपको कम लगे तो आप इसमें घी और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर हल्का गर्म पानी लिया है डो बनाने के लिए। हल्के गर्म पानी से डो है वो काफ़ी अच्छे से बनता है और काफ़ी स्मूथ बनता है। तो बहुत ही हल्का गर्म पानी आप इस्तेमाल करें डो बनाने के लिए। यदि हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जो घी है वो जम जाता है इसके अंदर, और यदि हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाता है, जिससे जब हम इसके पारे बनाएंगे वो काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे। आपको डस्टिंग के लिए ना तो इसमें मैदा छिड़कने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही आपको इसमें तेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एकदम अच्छा टाइट डो हमें बनाकर तैयार कर लेना है इसका। डो बनकर तैयार हो गया है और इस तरह बनने के बाद भी आप 4-5 मिनट इसे लगातार इस तरह मसलते रहें ताकि जो डो है वो काफ़ी स्मूथ और चिकना हो जाए और उसमें क्रैक्स ना आए। तो जब भी क्रैक्स नहीं आएंगे तो बाद में जब आप इसे लोई वगैरह तोड़ेंगे तो वो भी काफ़ी स्मूथ और चिकनी बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना हार्ड भी है लेकिन फिर भी मुलायम और चिकना है। तो हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो चुकी है। डो को एक बार फिर से हम इस तरह मसल मसल कर चिकना बना लेंगे। अब हम इस डो में से एक बड़ी लोई तोड़ेंगे, और लोई क्योंकि काफ़ी बड़ी है तो हथेलियों में हम आसानी से इसे नहीं बना सकते। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले इसे एक जगह इकट्ठा कर लें और फिर जैसे हम कचौरी को शेप देते हैं ठीक उसी तरह सेंटर में इकट्ठा करके फिर इसे ऐसे गोल गोल करें तो ये काफ़ी स्मूथ और चिकनी बन जाएगी और इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने इसे फ्लैट करके तैयार कर लिया है और अब हम इसे बेल लेते हैं। बेलने पर आप देख सकते हैं कि ना तो हमने बेलते समय इस पर कोई घी या तेल लगाया और ना ही हमने इस पर सूखा मैदा डस्ट किया। ये बहुत ही आराम से बेली भी जा रही है और बिल्कुल चिपक भी नहीं रही है, और ऊपर से भी ये एकदम स्मूथ है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। पारों को आप चाहें तो अपनी मनपसंद की कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। इसे एक तो चौकोर पीसेस में कट किया जाता है, आप डायमंड शेप में भी इसे कट कर सकते हैं या फिर इस तरह पतले और लंबे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। राजस्थान में नॉर्मली ये जो शक्कर पारे हैं उन्हें पेठे कहा जाता है और इन्हें इस तरह लंबा और पतला ही काटा जाता है। तो आज मैं वही साइज इसकी बना देती हूँ। तो इस तरह हमने कई हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और आप देख सकते हैं हमने इसे इतनी मोटाई दी है, और बाद में जब ये फ्राई होंगे तो ये और फूल जाएंगे। तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। यदि आपको समय की बचत करनी है तो इसके लिए आप क्या करें कि जब इसे बेलना स्टार्ट करें तभी कढ़ाई में तेल चढ़ा दें इन्हें डीप फ्राई करने के लिए। तो जो बैच बना रहे हैं उन्हें धीरे धीरे डीप फ्राई करते जाएँ। सारे पारे हमने इसी तरह बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इन्हें डीप फ्राई करने की। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है।
इन पारों को फ्राई करने के लिए हमेशा कम गरम तेल का ही इस्तेमाल करें। गैस का फ्लेम एकदम लो रखें। लो फ्लेम पर जब हम इन्हें धीरे धीरे फ्राई करेंगे तो इनमें काफ़ी अच्छे से लेयर्स अंदर बन जाएंगे, काफ़ी खस्ता बनेंगे ये। और दूसरा, इनको हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है, तो गैस का फ्लेम हमने ज़्यादा रखा तो क्या होगा कि ये ऊपर से जल्दी से पक जाएंगे और अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएंगे। तो इन्हें आराम से फ्राई होने देते हैं, तब तक हम इनके लिए चाशनी भी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने जितना मैदा का इस्तेमाल किया था उतनी ही हम चीनी लेंगे। इसमें दोनों चीज़ों की बराबर क्वांटिटी ही डाली जाती है। तो 500 ग्राम मैदा था, 500 ग्राम हमने चीनी ले ली है। अब जितनी हमने चीनी डाली है उसके लगभग आधी क्वांटिटी का हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देते हैं। और इधर बीच बीच में हम इन पारों को भी चेक करते रहेंगे, थोड़ा इन्हें हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये फ्राई होते जा रहे हैं ये हल्के होकर तेल में ऊपर तैरने लगे हैं। और इधर चाशनी में चीनी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इन्हें पकते हुए। तो अब इस चाशनी को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। चाशनी को साफ़ करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1 टेबल स्पून दूध हम डाल देंगे। कच्चा या गर्म कोई भी दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध की वजह से चाशनी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो तैर कर ऊपर आ जाएंगी। तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इधर आप देख सकते हैं जो पारे हैं उन पर काफ़ी गोल्डन येलो कलर आ गया है और सारे हल्के होकर ऊपर तैरने लगे हैं। तो बस इन्हें इनसे ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना होता है, इनका ऐसा ही कलर चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये साइज में भी कितने मोटे हो गए हैं। तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे पारे मैंने इसी तरह डीप फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। और इधर ये देखिए चाशनी के अंदर इम्प्योरिटीज सारी ऊपर आ गई हैं। तो अब इसे हम एक स्ट्रेनर की सहायता से इस तरह निकाल लेते हैं। तो जब अच्छी चीनी लेते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज़ थोड़ी कम निकलती हैं, और यदि आप नॉर्मल चीनी लेते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज़ तो और भी ज़्यादा निकलती हैं। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है तो अच्छा है ना कि हम अच्छी चाशनी का ही इस्तेमाल करें। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ हम निकाल कर बाहर कर देते हैं। और अब हमारी साफ़ सुथरी चाशनी बनकर तैयार है। तो अब इस चाशनी को हम चेक कर लेंगे। तो एक बोल के अंदर हम थोड़े से ड्रॉप्स इस चाशनी की डाल देते हैं, और जब चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाए तब इसे हम चेक कर लेंगे। जब आप चाशनी को चेक करें तब गैस का फ्लेम लो रखें, नहीं तो जो चाशनी होगी वो गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि चाशनी को ठंडा होने में समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें एक तार बन रहा है, और बहुत ही अच्छा हमें तार चाहिए। वैसे ये जो चाशनी होती है हमें 2 तार की चाहिए होती है, लेकिन यदि चाशनी ठंडी होने के बाद इस तरह अच्छे लंबे एक तार में कन्वर्ट हो रही है, यानी जो चाशनी है वो आपकी 2 तार की बन जाएगी, क्योंकि जब तक आप इसे चेक करेंगे वो और पकती जाएगी और गाढ़ी होती जाएगी। बहुत ही ज़्यादा पहले से ही इसे गाढ़ा कर दिया आपने तो जो पारे होंगे वो इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और बहुत ही जल्दी वो हार्ड होने लगेंगे। तो अब ये एकदम परफेक्ट है। तो ये जो पारे हमने फ्राई करके रखे थे वो इस चाशनी के अंदर ऐड कर लेते हैं। पारे अच्छे से डूब जाने चाहिए। और इस चाशनी के अंदर ही हम अब क्या करते हैं, फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा इनका। और चाशनी में डालने के बाद इन पारों को 2-3 मिनट हम चाशनी के अंदर ही पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने से भी ये कड़क हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट इस तरह चाशनी में पकाएंगे तो इनके अंदर भी चाशनी जाएगी, जिससे ये खाने में भी अच्छे लगेंगे और बहुत ही अच्छे खस्ता बनेंगे। तो बस इसे हम इतना ही पकाएंगे। अब इन्हें ठंडा करने के लिए हम एक बड़े बर्तन में निकाल देते हैं। और अभी चाशनी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसके लिए हम इन्हें ऐसे स्प्रेड कर देते हैं इस ट्रे के अंदर और 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और जब आपको लगे कि ये हल्की जमना शुरू हो गई है तब हम इसे उलट पलट करेंगे। तो ये देखिए हल्की सी ये जमने लगी है। जैसे इस जैसे ये जमती जाएगी इसका जो कलर है वो वाइट होता जाएगा। तो बस बहुत ही आसान प्रोसेस है ये, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यदि आप एक बार इस तरह से बना लेंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो बस इसे हम थोड़ा ऐसे मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे मिक्स करेंगे जो चाशनी है वो इन पारों के ऊपर कोट होती जाएगी। अब जो चाशनी हम तैयार करते हैं इनके ऊपर कोट करने के लिए वो थोड़ी बहुत लास्ट में बच ही जाती है, तो जो बची हुई चीनी होती है उसे बूरा या तगार ही कहते हैं। तो आप उस चीनी को क्या करें कि या तो ऐसे चाशनी बनाकर दूसरी मिठाइयों में इस्तेमाल कर लें, या फिर उनसे कोई भी आप मिठाई बना सकते हैं। उनसे लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो यदि आप लड्डू बनाने की सोच रहे हैं तो उस चीनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से ऊपर
कोट हो गए हैं चीनी से, तो अब हम इन्हें स्प्रेड कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो इनके ऊपर जो चाशनी की लेयर बनी है वो निकलने लगेगी, क्योंकि चाशनी अब सूख गई है इनके ऊपर। इन्हें बस अब अच्छे से सुखा लेना है हमें, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 30 से 40 मिनट में ये काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं। 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए ये थोड़े सूख गए हैं। अभी धीरे धीरे ये और भी अच्छे से सूख जाएंगे, तब और भी अच्छे लगेंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इन्हें, तो देख सकते हैं कि शुगर की कोटिंग काफ़ी अच्छे से इन पारों के ऊपर आ गई है, और इसे तोड़ने पर ये कितने खस्ता हैं और हमने कितने पतले बनाए थे, लेकिन ये कितने मोटे हो गए हैं और काफ़ी बारीक लेयर्स इनमें बनी हैं। तो आप ये शक्करपारे बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और जब चाहें इसका मज़ा उठाएँ। फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।